एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंक्लूसिव फिटनेस के बारे में। एंड इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे जो कि आपके सीएस एंड नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंक्लूसिव फिटनेस की, तो ये टॉपिक आपको इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन दोनों ही सब्जेक्ट में देखने को मिल जाता है। अगर मैं इकोलॉजी की बात करूँ तो बिहेवियर इकोलॉजी के पोर्शन में आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। एंड इवोल्यूशन की बात करें तो हम एनिमल बिहेवियर में मेनली इस टॉपिक को पढ़ते हैं, यानी ये टॉपिक समहाउ इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन दोनों के बीच में ही ओवरलैप करता है। बट एनीवेज, हमें तो मतलब है डील करने से, चाहे ये किसी भी यूनिट का पोर्शन हो, क्योंकि ये टॉपिक एक्चुअल में काफी ज्यादा आसान है समझना और इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन अगर आपने इसको बेटर वे में समझा नहीं तो दैट इज वेरी ऑब्वियस, आप जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज इस टॉपिक को जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंक्लूसिव फिटनेस क्या होती है, इसको कैसे निकाला जाता है, और मेनली अगर क्वेश्चन आता भी है तो यहाँ से मेनली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो भी हम आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं दैट इज योर इंक्लूसिव फिटनेस की, तो इंक्लूसिव फिटनेस को समझने से पहले, जैसे मैंने कहा, ये एक बिहेवियर का पार्ट है, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म में बिहेवियर देखने को मिलता है, इस बिहेवियर का पार्ट है दैट इज इंक्लूसिव फिटनेस। तो इस फिटनेस का मीनिंग क्या होता है? सीधी सी बात है, हम फिटनेस की बात कर रहे हैं, मतलब कि हम कहीं ना कहीं वेलबींग की बात कर रहे हैं, यानी सर्वाइवेबिलिटी की बात कर रहे हैं। हम इस चीज को यहाँ पे जो है दैट इज फोकस करेंगे कि किसी ऑर्गेनिज्म की वेलबींग कैसी चल रही है, वो सर्वाइव कैसे कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये फिटनेस का जो मीनिंग है, ये एक जनरल मीनिंग है। अगर हम इकोलॉजी इवोल्यूशन के सेंस में देखते हैं तो ये मीनिंग थोड़ा सा आगे स्विच कर जाता है, ठीक है। तो इंक्लूसिव फिटनेस को सबसे पहले मतलब कंसेप्ट के तौर पे रखा था हैमिल्टन ने, ठीक है। हैमिल्टन जो है, डब्ल्यू डी हैमिल्टन, इन्होंने एक्सप्लेन किया था इंक्लूसिव फिटनेस को, वो भी किस तरीके के एक्ट में, दैट इज ऑल्टरिस्टिक एक्ट में। डब्ल्यू डी हैमिल्टन एक्सप्लेन द ऑल्टरिस्टिक एक्ट इन टर्म्स ऑफ द थ्योरी ऑफ इंक्लूसिव फिटनेस, जिसका मतलब होता है मोर जीन सर्वाइवल। अब हैमिल्टन ने क्या किया था, इन्होंने एक लाइक एक एक्ट को ये सब समझा रहे थे, मेनली उस एक्ट का नाम है ऑल्टरिस्टिक एक्ट, यानी एक टाइप का ये बिहेवियर है, ऑल्टरिस्टिक बिहेवियर है जो कि सोशल ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जब इसको एक्सप्लेन किया जा रहा था तो उसी में ऑल्टरिस्टिक एक्ट को समझाने के लिए इंक्लूसिव फिटनेस की थ्योरी का इस्तेमाल किया गया, और वहीं से ये चीज आ गई कि यस, इंक्लूसिव फिटनेस नाम की कोई चीज होती है। तो अब ये जो इंक्लूसिव फिटनेस है, ये है क्या? इससे पहले हमें ये एक बेसिक आइडिया के फॉर्म में कवर करना पड़ेगा कि ये ऑल्टरिस्टिक एक्ट क्या है, क्योंकि ऑल्टरिस्टिक एक्ट से ही बेसिक बनना शुरू होता है इंक्लूसिव फिटनेस का। और तो मैं यहाँ पे ऑल्टरिस्टिक एक्ट का एक आउटलाइन कवर करूंगी, क्योंकि ऑल्टरिस्टिक एक्ट या फिर ऑल्टरिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको कि हम जो है कभी और डील कर सकते हैं। आज का हमारा फोकस है दैट इज द इंक्लूसिव फिटनेस। तो सबसे पहले समझना जरूरी है ऑल्टरिस्टिक एक्ट क्या होता है। ये जो ऑल्टरिस्टिक एक्ट होता है, इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं दैट इज सेल्फलेस, सेल्फलेस कंसर्न। व्हाट डज दैट मीन? सेल्फलेस कंसर्न का मतलब होता है कि खुद की परवाह किए बिना किसी और की मदद करना। मतलब अगर मैं किसी की हेल्प कर रही हूं लेकिन मैं अपने बारे में नहीं सोच रही हूं कि उस हेल्प से मेरा नुकसान होगा या फिर क्या होगा, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सेल्फलेस कंसर्न, यानी अपनी फिक्र किए बिना किसी और की हेल्प करना, दैट इज व्हाट कॉल्ड द सेल्फलेस कंसर्न। तो इसी टाइप का एक बिहेवियर है जिसे हम ऑल्टरिस्टिक बिहेवियर कहते हैं, या ऑल्टरिस्टिक एक्ट कहते हैं, या ऑल्टरिस्टिक दैट इज एक ढंग से यस एक्ट कह सकते हैं आप, ठीक है। अब जब ये ऑल्टरिस्टिक एक्ट की बात होती है तो सीधी सी बात है, दो टाइप के इंडिविजुअल यहां पार्टिसिपेट करते हैं। एक वो जो इस एक्ट को परफॉर्म करेगा, ठीक है, और एक वो जो इस परफॉर्मेंस को रिसीव करेगा, यानी परफॉर्मर एंड रिसीवर। जो परफॉर्म करता है, अक्सर हम उसको नाम देते हैं ऑल्टरिस्टिक एक्टर, ठीक है, एंड जो रिसीव करता है उसे मेनली हम रिसिपिएंट का नाम देते हैं। ऑल्टरिस्टिक एक्टर कह सकते हो या आप परफॉर्मर कह सकते हो, तो इस ढंग से हम इसको नाम देते हैं। अब ये ऑल्टरिस्टिक एक्ट कहाँ पे होता है, ये सबसे बड़ी कहानी है, ठीक है। क्या
किसी भी राह चलते इंसान के लिए जो है आप सेल्फलेस कंसर्न दिखा सकते हो जिससे आपकी जान पहचान नहीं है। तो मतलब क्या आप अपनी परवाह किए बिना उस दैट इज स्ट्रेंजर इंसान की हेल्प करोगे? आंसर इज नो। हम यूं ही किसी के भी हेल्प करने के लिए सामने नहीं आ जाते हैं, ठीक है? तो दैट इज वॉट ऑल दो, अगर मतलब हम, मैं यहाँ पे एनिमल बिहेवियर की बात कर रही हूँ, मैं मोरल बिहेवियर की नहीं बात कर रही, क्योंकि मॉरलिटी को अगर देखा जाए तो दैट इज वेरी ऑब्वियस, हम स्ट्रेंजर्स की भी हेल्प करते हैं, बट यहाँ पे एक टाइप के बिहेवियर की बात हो रही है। तो सीधी सी बात है कि आप अपना लॉस करवा के कभी किसी अजनबी इंसान की मदद नहीं करते हो। ऑर्गेनिज्म में भी ऐसा ही बिहेवियर देखा जाता है। तो सेल्फलेस कंसर्न देखा गया है कि ये किसके लिए परफॉर्म होता है, तो स्पेशली देखा गया है कि ये किन के लिए परफॉर्म होता है। किन कहने का मतलब हो गया दैट इज रिलेटिव। रिलेटिव का मीनिंग क्या हो गया? जिसके साथ किसी टाइप के जीन की शेयरिंग हुई है, जैसे आपके रिलेटिव। अगर आपको मौका दिया जाए कि आपके सामने एक स्ट्रेंजर इंसान रख दिया जाए और एक एक आपका कोई रिलेटिव हो और बोला जाए कि आप किसकी मदद करोगे, तो दैट इज वेरी ऑब्वियस, आप अपने रिलेटिव को सेलेक्ट करोगे। अगर आपको कहा जाए किसी एक की हेल्प करने के लिए, तो दैट इज वॉट हैपन, कि ये जो आर्टिस्टिक एक्ट है ये मैक्सिमम टाइम पे देखा गया है कि ये ऑर्गेनिज्म अपने किन के लिए ये एक्ट करते हैं, ठीक है? जिस जिसकी वजह से, किन का मतलब होता है क्या? रिलेटिव, यानी जिसके साथ जीन शेयरिंग हुई है। एग्जाम्पल के लिए बात कर, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए ये जो रेसिपियंट है इसको तो हेल्प मिल रही है, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म इसके लिए ऑल्टरिस्टिकली एक्ट कर रहा है, यानी अपनी परवाह किए बिना सामने वाले की मदद कर रहा है, तो जो रिसीवर है उसे तो फायदा मिल रहा है, लेकिन कभी कभार ये तक होता है कि परफॉर्मर की जान तक चली जाती है। ओके, यानी आप कह सकते हो ऑल्टरिस्टिक ऑल्टरिस्टिक एक्टर मे लॉस हिज और हर लाइफ इन दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। तो ऐसा भी देखा जाता है, मतलब आप कह सकते हो ये एक स्ट्रांगली तरीके से कहीं ना कहीं किन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कोई अपनी लाइफ को दाव पे नहीं लगाता है जब तक कि जब तक जो है सामने वाले की जिसकी हेल्प हो रही है उसके साथ कोई रिलेशन ना बने। तो वही कहा जाता है, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल अगर आपको दो ऑल्टरिस्टिक एक्टर एक्ट की, मीर कैट्स। मीर कैट्स क्या करती हैं, जब आपने आई थिंक इस क्रिएचर को बहुत बार देखा होगा, मूवीज वगैरह में भी दिखते हैं का दैट इज, तो इनका जो एक्ट देखा जाता है कि इनके जो फैमिली मेंबर्स रेस्ट कर रहे होते हैं या फिर खाना खा रहे होते हैं, तो कुछ मीर कैट्स क्या करती हैं कि एक एरिया को चारों तरफ से आप कह सकते हो एक ढंग से रखवाली कर रही होती हैं उनकी, ठीक है? और इस बात का ध्यान रखती है कि कोई वहां पे प्रीडेटर ना आ जाए, और इन केस अगर कोई प्रीडेटर आता भी है तो ये अपने साथियों को अलार्म कॉल देती है वियर टाइप के साउंड्स निकाल के। तो इनके पार्टनर्स इसका अलार्म कॉल सुन के मतलब कि बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं, और जहां जहां पे उनकी हाइडिंग प्लेसेस होती है वहां पे वो जाकर छुप जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब ये इस टाइप का वियर्ड अलार्म कॉल दे रही है, यानी साउंड निकाल रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रीडेटर आ रहा है यहाँ पे अटैक करने के लिए, उसकी नजर जो है या उसका जो अटेंशन है वो इसी मीर कैट की तरफ सबसे पहले जाएगा, क्योंकि ये अलार्म कॉल दे रही है, ये खुद ही जो है दैट इज खतरे को इनवाइट कर रही है, और इसको भी ये बात पता है कि इस एक्शन में जो है मेरी लाइफ भी जा सकती है, लेकिन अपने किन के लिए, क्योंकि जो जिस ग्रुप के लिए ये हेल्प कर रही होती है उसमें सारे के सारे इसके किन होते हैं, तो उस किन के लिए ये मदद कर रही होती है, सीधी सी बात कहें तो अपने ग्रुप मेट के लिए ये हेल्प कर रही होती है, उनको हेल्प दे रही होती है कि यस मुझे जो है अपने सारे ग्रुप मेंबर को बचाना है, एंड दैट इज वाई ये इस तरीके का एक्ट करती है जिसमें कि चांसेस होते हैं कि इसकी लाइफ चली जाए, क्योंकि प्रीडेटर सबसे पहले अब इसको अटैक करेगा, ठीक है? सिमिलर केस विथ वर्विड मंकी ऑल्सो, इनमें भी यही केस देखा गया है कि ये भी जब खाने की तलाश में बाहर जाते हैं तो जो भी दैट इज जो भी वर्विड मंकी सबसे पहले देखता है किसी प्रीडेटर को आते हुए, तो वो इन्फॉर्म कर देता है विद द हेल्प ऑफ द अलार्म कॉल। एंड सिमिलर केस इसके साथ भी होता है कि जब ये अलार्म कॉल दे रहा है तो देर इज हाईएस्ट चांसेस कि प्रीडेटर की नजर सबसे पहले इस पे पड़ जाए और वो इसको अटैक कर ले। और सपोज कीजिए कि अगर इस पे अटैक भी करता है तो इसकी तो लाइफ चली जाएगी, हाँ इसके जो ग्रुप मेंबर होंगे उनकी लाइफ बच जाएगी। तो ये कुछ टाइप के एक्ट थे, इनफैक्ट बहुत सारे एक्ट हैं ऑल्टरिस्टिक वे में बिहेव करने के लिए, बहुत सारे एक्ट के एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि आपको प्रॉपर ढंग से डील करने में मदद करेगा कि ऑल्टरिस्टिक एक्ट है क्या। अब हैमिल्टन ने क्या किया था, हैमिल्टन ने इसी ऑल्टरिस्टिक एक्ट को समझाने के लिए इंक्लूसिव फिटनेस का कंसेप्ट रखा था, ठीक है? तो ये जो इंक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव का मतलब ही होता है जो कोई चीज एकदम से यूनिक है, जिसे हम बोलते हैं एक्सक्लूसिविटी,
जिसके जैसा कोई नहीं है, बहुत यूनिक है, बहुत एक्सक्लूसिव है। सिमिलरली यहाँ पे इंक्लूसिव फिटनेस का मीनिंग भी ऐसा ही कुछ होता है। इंक्लूसिव फिटनेस का मतलब क्या हो गया, एक ढंग से हम कहें तो फिटनेस जो वर्ड है, फिटनेस को हम मेनली क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने कहा इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे फिटनेस का मतलब होता है कि हम नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग को काउंट करते हैं। यहाँ पे हम नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग को काउंट करते हैं फिटनेस को देखने के लिए। अब ये नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग जो है, ये खुद के भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि ये तो रहा एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तब ये नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग हो सकता है, या फिर अगर हम कहें कि इस फिटनेस की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ किन जिसकी आपने हेल्प की, ठीक है, तो ये हो जाता है, ये सेल्फ का नहीं हुआ, लेकिन यस ये हो गए एक टाइप के आपके, दैट इज रिलेटिव। तो फिटनेस के मामले में ऑस्प्रिंग या फिर किन को काउंट किया जाता है कि कितने ऑस्प्रिंग जो है दैट इज सर्वाइव कर रहे हैं, या कितने किन सर्वाइव कर रहे हैं, किसकी वजह से, ऑल्टरिस्टिक एक्टर की वजह से। इस ढंग से फिटनेस को काउंट किया जाता है। इंक्लूसिव फिटनेस का मतलब क्या हो गया, देखते हैं। इंक्लूसिव फिटनेस का एक प्रॉपर ढंग से अगर मीनिंग देखा जाता है तो इंक्लूसिव फिटनेस इज समथिंग विच इज यूनिक फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन जिसको कि हम रेफर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपको कहती हूँ देयर इज एन ऑर्गेनिज्म एक्स, इसके बारे में मैं आपको 4 से 5 डिटेल देती हूँ, और मैं कहती हूँ कि मुझे इस ऑर्गेनिज्म का इंक्लूसिव फिटनेस बता दो कितना होगा, ठीक है, तो तब आप उस ऑर्गेनिज्म का इंक्लूसिव फिटनेस निकालोगे। लेकिन उसको निकालने के लिए हमें कुछ पहले से ही रॉ डेटा चाहिए होता है, यानी जैसे कोई भी फॉर्मूला होता है उसमें तीन जितने भी वेरिएबल्स आपको देखने को मिले या कांस्टेंट आपको देखने को मिले, तो देर आर सो मेनी थिंग्स जो कि उसमें पार्टिसिपेट करते हैं एक फॉर्मूले को बनाने में। सिमिलरली यहाँ भी वही केस देखा जाता है। तो इसमें जो पहला फैक्टर पार्टिसिपेट करता है इस फॉर्मूले को बनाने में, इसे हम कहते हैं जेनेटिक रिलेटेडनेस, जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है स्मॉल आर। अब ये जेनेटिक रिलेटेडनेस है क्या, सिंपल भाषा में भी समझाऊंगी, पहले थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में देख लेते हैं कि ये है क्या। इन इवोल्यूशनरी टर्म अ रिलेटेडनेस दैट इज द जेनेटिक रिलेटेडनेस सेंटर ऑन द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिविजुअल शेयर कॉपीज ऑफ एलील दैट दे हैव इनहेरिटेड फ्रॉम देयर कॉमन एंसेस्टर दैट इज पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन। डिपेंड करता है आप एंसेस्टर के टर्म में किसको डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। एलील्स दैट आर शेयर्ड बिकॉज ऑफ द कॉमन एंसेस्ट्री आर रेफर्ड टू एज अ आइडेंटिकल बाय डिसेंट्स। फॉर एग्जाम्पल यू एंड योर ब्रदर आर किन बिकॉज यू शेयर सम ऑफ द सेम एलील एंड यू इनहेरिटेड देम फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, इन दिस केस योर मदर एंड फादर। तो जेनेटिक रिलेटेडनेस को काउंट करने के लिए हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में वो जीन हम किसके सेंस में काउंट कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि एक सन का अपने फादर से जेनेटिक रिलेटेडनेस कितना है, मतलब इनके बीच में जीन की शेयरिंग कितनी हुई है, तो ये हम कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं कि एक बच्चे के अंदर फादर जो है अपना 50% जीन का कंट्रीब्यूशन करता है, मदर 50% का करती है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि फादर एंड सन के बीच में जेनेटिक रिलेटेडनेस कितना है, तो आंसर होगा 50% है। तो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, कि हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि हमने हमारे एंसेस्टर से जिससे हमें रिलेट किया जा रहा है उसके साथ हम कितना जीन शेयर कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ एक्स जो है, एक्स इज अ पर्सन और इसका जेनेटिक रिलेटेडनेस बताओ इसके ग्रैंड पेरेंट्स से। अभी इस क्वेश्चन के लिए ग्रैंड पेरेंट्स हो गए एंसेस्टर, आपको बताना पड़ेगा ये एक्स ऑर्गेनिज्म अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कितने परसेंट जीन की शेयरिंग कर रहा है। या फिर एक और क्वेश्चन हो सकता है कि ये हो गया वाई ऑर्गेनिज्म, इसका जो है इसके अंकल के साथ बताओ कितने परसेंट जेनेटिक रिलेटेडनेस है, यानी यहाँ पे इसके एंसेस्टर हो गए इसके अंकल। तो ये एंसेस्टर एक्चुअल में वो इवोल्यूशनरी वाला एंसेस्टर के सेंस में नहीं डील किया जा रहा है, यहाँ पे एंसेस्टर का मतलब हो गया उसकी बात की जा रही है जिससे कि हम उस ऑर्गेनिज्म को रिलेट कर रहे हैं, ओके। इन अ सिमिलर वेन यू एंड योर कजन्स आर किन, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे ब्रदर, यू एंड योर ब्रदर आर किन, आप और आपका भाई या बहन आपस में जो है एक रिलेटिव है, किन है, ठीक है, क्योंकि आप लोग जीन शेयर कर रहे हैं। सिमिलरली आप और आपके कजन्स जो हैं वो भी आपस में किन हैं। तो जितना रिलेशन, जितना भी आप रिलेटिव्स को देखते हैं वो आपके साथ कोई ना कोई किन का रिलेशन बना रहे हैं, कोई थोड़ा सा दूर का किन है, कोई पास का किन है, यानी पास का किन का मतलब जिसके साथ आपने जीन बहुत ज्यादा शेयर किया है,
और दूर का मतलब जिसके साथ आपका बहुत दूर का रिलेशन है, लेकिन यस कुछ परसेंटेज ऑफ जीन आप उसके साथ शेयर कर रहे हो, इसे हम कहते हैं जेनेटिक रिलेटेडनेस। अब अगर हम बात करते हैं जेनेटिक रिलेटेडनेस की, तो सबसे पहले मैं आपको वैल्यू दिखा देती हूँ, फिर मैं आऊंगी आपको इंक्लूसिव फिटनेस पढ़ाऊंगी बताऊंगी, और सभी चीजों को एक जगह करके जो है मैं आपको पूरा फंडा बता दूंगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अभी हम एक एक करके सारे कंसेप्ट को जो है इकट्ठा कर रहे हैं, एंड देन वी विल सी कि इसको हम एक साथ कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो ये एक टेबल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि ये अलग अलग रिलेशनशिप का आपको आर बताएगा। आर का मतलब जेनेटिक रिलेटेडनेस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फादर का रिलेशन उसके ऑफस्प्रिंग से अगर हम बनाते हैं, तो मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म बोला है कि ए ए जो है बी का फादर है, आप बताओ इसका जेनेटिक रिलेटेडनेस कितना होगा। तो दिस इज हाउ वी यूज टू मेक इट कि कितने परसेंट जीन शेयर कर रहा है। तो दैट इज वेरी ऑब्वियस, फादर ऑफस्प्रिंग के साथ 50% जीन शेयर करता है। तो ये तो हो गया परसेंटेज में, लेकिन आर को हम जो है एक और नाम देते हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस। तो अगर हम आर को परसेंटेज में ना लिखें तो ये आर कितना आएगा, ये आर आएगा 0.5, क्योंकि 50 लिखने का मतलब है हम परसेंट में दिखा रहे हैं, बिना परसेंट के हम आर की वैल्यू लेते हैं ताकि हम इसे अपने फॉर्मूले में पुट कर सकें। सिमिलरली अगर मदर की बात की जाए, मदर एंड ऑफस्प्रिंग की बात की जाए, तो मदर अपने ऑफस्प्रिंग के साथ 50% जीन शेयर करती है, हेंस इसका भी आर हो गया 0.5। ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स के साथ कितना शेयर करते हैं, वेरी ऑब्वियस, ऊपर वाले की कहानी नीचे भी बता के रखी है, तो ये भी जो है आर कितना शेयर करते हैं, 0.5 शेयर करते हैं। सिबलिंग्स, सिबलिंग्स क्या होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं सगे भाई बहन, ठीक है। सिस्टर एंड ब्रदर की बात कर सकते हैं, सिस्टर सिस्टर की बात कर सकते हैं, ब्रदर ब्रदर की बात कर सकते हैं, लेकिन सगे, ठीक है, सगे भाई बहन, सगे ब्रदर ब्रदर या फिर सगे सिस्टर सिस्टर, ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए सिबलिंग्स। इनके बीच में भी जो है जो जीन की शेयरिंग होती है, जेनेटिक रिलेटेडनेस जो होता है वो होता है 0.5, यानी 50%। जो हाफ सिबलिंग्स है, हाफ सिबलिंग्स यानी जिसे हम बोलते हैं स्टेप ब्रदर या स्टेप सिस्टर, यानी सौतेला भाई या सौतेली बहन, ठीक है, तो उनके बीच में अगर रिलेशनशिप देखा जाए कि वो कितने परसेंट जीन को शेयर कर रहे हैं, तो उनका कम हो जाता है, ठीक है, उनका जो है 25% देखा जाता है, दैट इज 0.25, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक एक भाई की उसके सौतेले भाई से, तो दैट इज वेरी ऑब्वियस जीन का शेयरिंग थोड़ा सा दूर चला जाता है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं नीश, नेफ्यू, अंकल, आंट, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रंस, यानी दादा दादी, ठीक है, इसके अलावा दैट इज भांजा या फिर भतीजा या फिर अंकल या आंटी, इनके बीच में अगर हम बताएं कि आर कितना होता है, तो ये भी 25% होता है, यानी आर इक्वल्स टू 0.25। कजन्स के बीच में, कजन्स और भी दूर का हो गया, कजन कौन लगते हैं, जैसे कि आपके बुआ के जो बेटे हैं वो आपके कजन लगेंगे, ठीक है, इस टाइप से कजन का रिलेशनशिप बनता है, तो कजन का रिलेशन और दूर का हो जाता है, हेंस उनके साथ जो हमारा जीन शेयर होता है वो होता है 12.5%, यानी 25 का भी हाफ, जिसकी वजह से इसका आर कितना हो गया, ये आर हो गया 0.125, ठीक है। हर एक को आप 100 से डिवाइड करते जाइए, ये सारी वैल्यूज आपकी चली आएंगी। 100 से डिवाइड हम इसलिए करें क्योंकि हमें परसेंटेज में वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तब हमें वहां पे परसेंटेज में नहीं इसके रियल वैल्यू को पुट ऑन करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे सभी चीजों को बता के रखा है कि आर किसके साथ कितना हो सकता है, ठीक है, तो ये हो गया दैट इज जेनेटिक रिलेटेडनेस का कंसेप्ट। अब मैंने क्या किया है, मैंने आपको सारे के सारे बोलते हैं ना कि एक मूवी के जो कैरेक्टर होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, अब मैं आपको एक रियल सिनारियो पे लेके चलती हूँ कि एक्चुअल में अब पूरा हम कलेक्टिवली जोड़ेंगे कि ये इंक्लूसिव फिटनेस होती क्या है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ओके, यू कैन सी हियर कि यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगा के रखी हुई है। अगर मैं कहती हूँ कि ये है दैट इज द मदर, ठीक है, ये है फादर, फाइन। अब मैं ये कहती हूँ कि ये मदर जो है अपनी, ये जो इसका सन है, ये मदर अपने सन की हेल्प करती है, ठीक है, तो ये मदर जब अपने सन की हेल्प करती है उसके सर्वाइवल में, तो वो कैसा हेल्प हुआ, ये ढंग से डायरेक्ट हेल्प हुआ, ठीक है। लेकिन अगर एक और यहां पे डायग्राम बनाती हूँ कि एक और यहां पे लायन है, बट ये लायन इनका, दैट इज आप कह सकते हो इनका ऑफस्प्रिंग नहीं है वो, ठीक है, वो इनका किन है, तो अगर मान लीजिए ये मदर जो है इसके अपने किन की हेल्प करती है जिसका रिलेशन काफी दूर से है,
तब क्या होगा, तब ये मदर क्या करेगी, तब ये मदर को जो है इनडायरेक्ट फिटनेस मिलेगा, तब ये मदर का इनडायरेक्ट फिटनेस कहलाएगा। लेकिन जब ये अपने ही ऑफस्प्रिंग की हेल्प करेगी तो हम बोलेंगे इसको जो है डायरेक्ट फिटनेस मिल रहा है। चलिए इसी को जो हम थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि इंक्लूसिव फिटनेस इज अ मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल्स टोटल फिटनेस। ओके, एक इंडिविजुअल का टोटल फिटनेस होता है बेस्ड ऑन बोथ ऑन द नंबर ऑफ इट्स ओन ऑफस्प्रिंग एंड द कंट्रीब्यूशन इट मेक टू द रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ इट्स जेनेटिक रिलेटिव, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम किन कहते हैं। यानी सबसे पहली बात ये आती है कि इंक्लूसिव फिटनेस क्या है, ये एक टाइप का टोटल फिटनेस है, एक ऑर्गेनिज्म का टोटल मतलब टोटल तरीके से उसको कितना फिटनेस मिला, ये होता है इंक्लूसिव फिटनेस। मान लीजिए मैंने एक ऑर्गेनिज्म जो है यहां पे बना दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका इंक्लूसिव फिटनेस INF कितना है, जो कि होगा इसका टोटल फिटनेस, ठीक है। मैंने ये कहा कि इस ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, 5 सन को जन्म दिया, ठीक है। आप इसका नाम रख सकते हो कुछ भी, हम इसका नाम ए रख देते हैं। इसने 5 सन को जन्म दिया और बर्थ देने के साथ साथ इसके सर्वाइवल में हेल्प की, पैरेंटल केयर प्रोवाइड किया, सर्वाइवल में हेल्प की, और 5 सन है, ठीक है। ये जो हेल्प प्रोवाइड हुआ ना, दैट इज ए ने अपने 5 सन की हेल्प की, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट फिटनेस, जो अभी मैंने कहा, इट इज द डायरेक्ट फिटनेस। इसके बाद क्या हुआ, ए को पता चला कि इसका जो है एक स्टेप ब्रदर है, स्टेप ब्रदर, उसको भी ए की हेल्प चाहिए। तो ए ने क्या किया, ए ने इसकी भी हेल्प कर दी। अब वो हेल्प जो है किसी भी तरीके से हो सकती है, मेन तौर पे हम कहते हैं कि ये जो हेल्प हुआ है वो मेनली हम कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए की है, रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए हेल्प की है, ठीक है। जिससे कि आप कह सकते हो कि ये जो स्टेप ब्रदर है उसको रिप्रोडक्टिव बेसिस पे हेल्प मिली है ताकि वो अपने जीन को सरवाइव करवा सके। तो हमें मतलब है कि ए ने मदद किसकी की है, ठीक है। अगर ए ने अपने स्टेप ब्रदर की हेल्प की है ताकि वो अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके, तो एक्चुअल में ए का रिलेशन हम उसके स्टेप ब्रदर से ही देखेंगे, ये नहीं कि स्टेप ब्रदर ने जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए हैं उससे देखेंगे, ऐसा नहीं होगा। ए की मदद, ए ने जो है अपने स्टेप ब्रदर की हेल्प की है, तो फिलहाल में स्टेप ब्रदर जो है इसका रेसिपिएंट है, इस एक्ट का रेसिपिएंट है। और हम जो है हमेशा ही रेसिपिएंट के साथ कोई भी रिलेशन देखते हैं, लेकिन आज बिकॉज ये खुद का ऑफस्प्रिंग नहीं है क्योंकि ये स्टेप ब्रदर है, तो हंस हम कहते हैं क्या कि ये एक टाइप का इनडायरेक्ट फिटनेस है। ठीक है, डायरेक्ट फिटनेस में खुद का ऑफस्प्रिंग है, इनडायरेक्ट फिटनेस में दूसरे का ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में हेल्प किया जा रहा है, लेकिन उस ऑफस्प्रिंग को काउंट नहीं किया जाएगा, ये जो है जिसकी हेल्प हो रही है उसकी काउंट की जाएगी, ठीक है। तो मेक श्योर ये जो हेल्प है इट कैन बी रिप्रोडक्टिव सक्सेस और इट कैन बी नॉर्मल हेल्प, कोई भी कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है, इनफैक्ट सर्वाइवल में भी हो सकता है। तो 3 तरीके का कंडीशन जनरेट होते हैं, आइदर इट इज अ रिप्रोडक्टिव सक्सेस, नॉर्मल हेल्प और सर्वाइवल हेल्प, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अब क्या होगा, अब मुझे पता करना है कि ठीक है अब बताओ कि इंक्लूसिव फिटनेस जो है, इंक्लूसिव फिटनेस ए की कितनी हुई, इंक्लूसिव फिटनेस ऑफ ए। तब आप क्या करोगे, तब आपके पास फॉर्मूला चला आएगा, दैट इज इंक्लूसिव फिटनेस क्या होती है, इंक्लूसिव फिटनेस is equals to the direct fitness plus indirect fitness। जब आप डायरेक्ट फिटनेस एंड इनडायरेक्ट फिटनेस को कैलकुलेट करोगे आपको उस इंडिविजुअल का इंक्लूसिव फिटनेस मिल जाएगा। अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहां पे भी एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट चला आता है। तो जैसे कि हमने कहा इंक्लूसिव फिटनेस में डायरेक्ट फिटनेस एंड इनडायरेक्ट फिटनेस दोनों को लिया जाता है, तो कैलकुलेट कैसे करना है, इंक्लूसिव फिटनेस के लिए मैं यहां पे लिख रही हूं, इंक्लूसिव फिटनेस के लिए एफ लिख रही हूं, इज इक्वल्स टू द डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस।
अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहीं पे सारा का सारा ट्विस्ट है। डायरेक्ट फिटनेस को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, डायरेक्ट फिटनेस के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग सर्वाइविंग इनटू उसके साथ कितना आर शेयर हो रहा है प्लस। अब आते हैं इनडायरेक्ट फिटनेस पे, इनडायरेक्ट फिटनेस को कैसे लिखेंगे हम, नंबर ऑफ किन रेसिपिएंट इनटू उसके साथ जो आर बन रहा है, ये आर किसका, ये आर इसका, ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म ने हेल्प की है इसके साथ आर कितना बनता है किन का, किन रेसिपिएंट मैंने क्यों लिखा है, इसको आप ब्रैकेट में भी कर सकते हो, जो हेल्प को रिसीव करेगा उसकी बात कर रहे हैं। अब इसको मैं आपको सॉल्व करके बताती हूं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म है ए, इसने क्या किया, इसने अपने 5 सन को जन्म दिया, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया वही ले लेते हैं, ठीक है, 5 सन को जन्म दिया और उनकी हेल्प की, पेरेंटल केयर दिया। इसके अलावा ए ने क्या किया, अपने स्टेप ब्रदर की हेल्प की ताकि वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके। अब मैं आपसे पूछ रही हूं कि मुझे ए का जो है इंक्लूसिव फिटनेस बताइए क्या होगा। अब हम आ जाते हैं इस फॉर्मूले पे, तो हमने क्या किया, ए का इंक्लूसिव फिटनेस निकालना है, तो मैं इस फॉर्मूले में डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रही हूं। डायरेक्ट फिटनेस में क्या बोला है, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, कितने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग है, 5, राइट। ए का अपने ऑफस्प्रिंग के साथ आर कितना बनेगा, अभी बताया था पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग में आर कितना होता है, 0.5 होता है, ये हो गया प्लस। अब चले आते हैं इंक्लूसिव फिटनेस पे, नंबर ऑफ किन, अच्छा मैंने यहाँ पे स्टेप ब्रदर लिखा है, अगर मैं कहती हूँ यहाँ पे कि अपने 2 स्टेप ब्रदर की हेल्प की तब क्या होगा, तो 2 स्टेप ब्रदर की हेल्प की तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ किन कितने हैं, 2 इंटू उनके साथ आर कितना बनता है, स्टेप ब्रदर के साथ जो मैंने आपको आर बताया था वो था आर 0.25, रियल ब्रदर ब्रदर में जो है 50% होता है, उसका भी हाफ हो जाता है स्टेप के केस में, सौतेले के केस में, तो ये हो जाएगा आपका 0.25। अब आप इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, 5 5 25 प्लस यहां पे 25 है एंड 2 दैट इज 50 हो गया आपका, ये 0, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आई थिंक ये चला आएगा आपका 0 3.00। तो हम कहेंगे ए का इंक्लूसिव फिटनेस कितना है, इंक्लूसिव फिटनेस इज 3। आई होप इट इज क्लियर कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। देखिए समझने में हमें वक्त लगा क्योंकि मैं आपका कंसेप्ट भी बना रही थी, एक बार समझ गए फिर आप नहीं भूलोगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए था ये किन क्या है, ये आर क्या है, कहां से क्या आ रहा है। तो ये था पूरा का पूरा कंसेप्ट, दैट इज फॉर द इंक्लूसिव फिटनेस। अब चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपके सीएसआई नेट में पूछा गया है, एंड आई होप अब वो क्वेश्चन आपसे हो पाएगा, ठीक है। इवन आप इस वीडियो को पॉज करके अपना आंसर खुद निकाल सकते हैं, उसके बाद आंसर अपना मैच कर सकते हैं, तब तक मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ। इंक्लूसिव फिटनेस ऑफ एन एनिमल कैन बी मेजर्ड एज अ सम ऑफ डायरेक्ट फिटनेस एंड इनडायरेक्ट फिटनेस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है आपका काम आसान कर दिया है, ये क्वेश्चन आपका 2018 जून में पूछा गया था सीएसआईआर नेट में। तो यहाँ पे इन्होंने इंक्लूसिव फिटनेस का खुद ही बता दिया है कि फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस। इमेजिन यू हैव अ 10 ऑफस्प्रिंग, ठीक है, बोला है 10 ऑफस्प्रिंग है टोटल, थ्रू योर डेलिजेंट पेरेंटल केयर 5 सर्वाइव टू रिप्रोड्यूस। सिर्फ 5 सर्वाइव कर रहे हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, प्रोड्यूस किए हैं 10 ऑफस्प्रिंग लेकिन सिर्फ 5 सर्वाइव कर रहे हैं। यू गिव योर लाइफ इन द हेरोइक डीड टू सेव अ टोटल ऑफ 5 ऑफ योर नीश एंड नेफ्यू। देखिए क्या बोला है, टोटल ऑफ 5 ऑफ योर नीश एंड नेफ्यूज, व्हाट इज योर इंक्लूसिव फिटनेस। तो यहां पे आपको लेकर क्वेश्चन पूछ दिया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यू, आपकी बात की गई है, तो सबसे पहले कहें तो आपके कितने ऑफस्प्रिंग हुए, दैट इज टोटल 10 ऑफस्प्रिंग, लेकिन फॉर्मूले तो मैंने आपको लिखवाया था, फॉर्मूला में आपको लिखवा रखा है कि नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग सर्वाइविंग, यानी जितने सर्वाइव करेंगे उन्हीं को तो आप हेल्प दे पाओगे ना, जो जिनकी डेथ हो गई है उनकी हेल्प कहां से दोगे। तो एक्चुअल में कहा जाए तो यहां पे जो फॉर्मूले में हम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग लेंगे ना वो होंगे सिर्फ और सिर्फ 5, क्योंकि सर्वाइव कितना कर रहे हैं, सर्वाइव जितना कर रहे हैं हम उतने को ही काउंट करेंगे, यानी टोटल 5 ऑफस्प्रिंग सर्वाइव कर रहे हैं।
हेंस ये वैल्यू हमारे क्वेश्चन में जाएगी, और कोई वैल्यू नहीं। चाहे वो 10 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया हो, लेकिन पांच ही तो जिंदा है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया है, अपने टोटल पांच नीश एंड नेफ्यू की हेल्प की है। तो ऐसा नहीं है कि आप पांच प्लस पांच कर दो, ये बोला है टोटल ऑफ, यानी नीश एंड नेफ्यू दोनों को मिला के टोटल पांच किन बन रहे थे। तो यहां पे आपने अपने किसी किन की हेल्प की, किन की हेल्प की, वो कौन थे, वो थे नीश, निश एंड नेफ्यूज। कितने हैं टोटल, ये हैं टोटल पांच। अब यहां पे काम थोड़ा सा और आसान कर देते हैं। आपको पता है कि इस ऑर्गेनिज्म का हम इंक्लूसिव फिटनेस निकाल रहे हैं और इसके खुद के ऑफस्प्रिंग पांच बचे हुए हैं, तो सीधी सी बात है इसका आर कितना हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा 0.5। एंड नीश नेफ्यू ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड चिल्ड्रंस अंकल आंट इन सब के बीच में आर कितना होता है, आर होता है 0.25। तो आपको क्या करना है, आपको जो है यहां से सिर्फ और सिर्फ आंसर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे दैट इज इंक्लूसिव फिटनेस इज इक्वल्स टू द डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस। तो डायरेक्ट फिटनेस कितना है, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग सर्वाइविंग, कितना सर्वाइव कर रहा है, टोटल जो है पांच ऑफस्प्रिंग सर्वाइव कर रहा है, इनटू आर, आर कितना है 0.5 है, ये हो गया 0.5। प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस कितना है, इनडायरेक्ट फिटनेस की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट फिटनेस हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ किन जो कि है पांच, इसके साथ इसका आर जो कि हो जाएगा 0.25। तो यहां पे भी कितना हो गया, टोटल 5 × 0.25, ठीक है। अब अगर आप इसको इसको कैलकुलेट करते हो तो ये हो जाएगा 5 × 25 दैट इज 2.5 प्लस ये हो जाएगा दैट इज 1.25। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे यहां तो टोटल एक सिंपल सा प्लस यानी एडिशन करना है, ये आपकी वैल्यू चली आएगी टोटल दैट इज योर 3.75, हेंस द आंसर इज 4, ठीक है। तो आई होप आपको जो है अब इंक्लूसिव फिटनेस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ऑल दो इस कंसेप्ट को हैमिल्टन रूल के साथ मिक्स करके जोड़ के बढ़ा जाता है, बट एनीवेज हैमिल्टन रूल ऑल्टरिस्टिक एक्ट एंड इस कंसेप्ट को एक साथ पढ़ने में लगभग आई थिंक 2 से 3 घंटे का टाइम जाता है। तो मैंने कोशिश की है कि जितना बेटर ढंग से कम टाइम में एक्सप्लेन करूं, उतना कम टाइम में जो है मैंने इंक्लूसिव फिटनेस को स्पेशली आपके सामने मैंने समझाने की कोशिश की है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं और डू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे आने वाले सारे के सारे वीडियो से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप लर्निंग।